अफ्रीकी देश लीबिया में विनाशकारी तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। देश के पूर्व तटीय शहरों में बाढ़ के कारण 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। पूर्वी लीबियाई सेना के प्रवक्ता ने बताया कि डेरेना शहर में बाढ़ के कारण 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 5000 से ज्यादा लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि तूफान के बाद डेरेना शहर के ऊपरी हिस्से में बने बांध टूटने के बाद ये आपदा आई। पूर्वी लीबिया सरकार के प्रधानमंत्री ओसामा हमद ने कहा कि बाढ़ से डेरेना शहर तबाह हो गया है और हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। तटीय शहर डेरेना में भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल की चपेट में आने के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पूर्वी लीबिया सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ओस्मान अब्दुल जलील ने मरने वालों की संख्या बताई। जलील ने कहा कि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। डेरेना शहर में हालात काफी गंभीर हैं। मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर लीबिया के तटीय शहर सूसा में भी 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लीबिया के रेड क्रिसेंट सहायता समूह के प्रमुख ने बताया कि वो शहर में अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे। स्थानीय मीडिया के अनुसार बाढ़ के कारण हजारों लोगों के लापता होने की खबर है। पूर्वी लीबिया के कई शहरों में हजारों घर और दूसरी संपत्तियां नष्ट हो गई हैं। डेरेना में बिजली और संचार सेवाएं ठप हैं। पूर्वी लीबिया सरकार के प्रधानमंत्री ओसामा हमाद ने सोमवार को 3 दिन के शोक की घोषणा की और देश भर में झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शनिवार को ही आपात स्थिति घोषित कर दी थी। तूफान से पहले एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया था।